दोनों के बीच में मैं तो फिसी जाऊंगी। अभी से बैठ जाती हूँ, यहाँ से अच्छा रहेगा। शुरू तो हम करेंगे, हम लड़की वाले हैं। शुरू तुम करना, खत्म हम करेंगे जीत के साथ। शुरू शुरू। नाम बड़ा है, दिल है छोटा। नाम बड़ा है, दिल है छोटा। अब न चले इनका सिक्का खोटा। माथे पे बिंदी आदत चिंदी, आधी गुजराती आधी बोले हिंदी। हाथ में ना ढेला, देखना है मेला। बोले कड़वी बोली जैसे करेला। ये कौन सा मोड़ है उम्र का? अरे भाई ये कौन सा रंग है उम्र का? चतुर नार बड़ी बड़ी है बेकार। एक चतुर नार बड़ी है बेकार। लगी लॉटरी तो बस उड़त जात, पर पैसा ना बदले जात हम जिना। एक चतुर नार बड़ी है बेकार। इसकी अंग्रेजी कोई चतुर नार बड़ी है बेकार। मेहमान बिन बुलाए, बुलाया ना जो आपके घर आए। मेहमान बिन बुलाए ये आपके घर आए। मेहमान हो के भी ये आपको अकड़ जो दिखाए। कोई इनको ये बताए गुजरे दिन अब न आए। कोई इनको ये बताए गुजरे दिन वापस न आए। चले हम लड़की वाले हैं तो क्या दिल वाले। बस बस, ये मेरे भी होने वाले वाइफ की मेहंदी है। मैं ईशानी के लिए गाना गाना चाहता हूँ, वो भी उसके साथ। मेरी मेहंदी और हम डांस नहीं करेंगे? हम किसी से कम है क्या? देखो रितिका, मुझे सब डांस वगैरह नहीं आता है, तो तुम ये तो हमारे केस का ऑपोजिशन लॉयर है, ये यहाँ क्या कर रहा है? स्टडी रूम कहाँ पर है? मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना था। इस वक्त? हाँ कुछ अर्जेंट है। यहाँ ऊपर जाके सेकंड रूम। थैंक्स। जरूर रणवीर इस लॉयर के साथ कोई प्लान बनाने वाले हैं जिससे हम ये केस हार जाएं। मुझे इनकी बातें सुननी होंगी। शानी, अरे कहाँ जा रही है? हमने तेरे लिए डांस नंबर तैयार किया। चल डांस करते। भैया मैं बस अभी। अरे क्या बाद में
अरे भाइयों के साथ डांस नहीं करेगी क्या? चल चिराग भी आ रहा है, अब भी आओ। तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? सर ये पेपर्स आपको अर्जेंट दिखाने थे और मुझे नहीं पता था कि आपके फैमिली फंक्शन में कुमारी फैमिली भी यहाँ पर मौजूद होगी। देखो ये पेपर्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि पारिक फैमिली को उसके जरा से भी भनक पड़े। केस पूरा पलट जाएगा और रिजल्ट वो नहीं आएगा जो कि मैं चाहता। डोंट वरी सर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं पेपर्स अपने पास रखता हूँ, बाद में से पढ़ लूंगा। तुम चलो आओ, तुम्हें छोड़ दो। क्या लिखा है इन पेपर्स में जो ये इतने इंपॉर्टेंट है? मुझे इन्हें पढ़ना ही होगा। गिरने से तो बचा लिया, अब यहां तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी वरना बार बार मेरी हेल्प की आदत पड़ जाएगी। अजीब बात है, लोग शादी करने के बाद सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं और तुम पहले कर रही थी। What? विंडो की रेलिंग के बाद क्या कर रही थी? तुम्हें कैसे पता कि मैं वहां पे थी? अब लेडीज परफ्यूम कोई जेंट्स लॉयर लगा के तो नहीं है? और यहाँ पर कोई अंधा भी होता ना तो वो भी बता देता कि इस रूम में कोई लड़की है। और वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरी जासूसी और कौन करेगा? तो बताओ क्या पता लगाने आई थी? तुम्हारे गंदे इरादों के बारे में तो मुझे पहले से ही पता, लेकिन उसे पूरा करने के लिए तुम अपने मन में क्या प्लान बना रहे हो बस वही पता करने आई थी। मेरे मन में क्या है ये जानने के लिए
तुम्हें शायद एक और जन्म लेना पड़ जाए। तुम्हें क्या लगता है अगले जन्म में मैं तुम्हें शक्ल भी देखूंगी? तुम मुझसे कितनी भी नफरत कर लो और मैं तुम पर कितना भी गुस्सा कर लो, पर आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। ये देख के कि तुम्हें तुम्हारी खुशी मिलने वाली है। आई विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। ये खुशी तो मुझे मिलनी थी, तभी खुशी इस बात से हो रही है कि तुम मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो। शेरवानी को क्या हुआ तुम्हारी? दाग लग गया, मिट जाएगा। कुछ दाग कभी नहीं जाते। दाग नहीं जा सकते, पर कपड़े तो बदले जा सकते हैं ना? चले। जब मुझसे बदला लेने आए थे तो मुझे उसकी हर बात बुरी लगती थी, लेकिन आज जब वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? वाह, मैं सोच रही हूँ आज की मॉर्निंग हुई क्यों, तो कल की रात खत्म ही नहीं होनी चाहिए थी ना। क्या पार्टी थी, व्हाट साउंड्स एंड म्यूजिक एंड फूड। हाँ, अभी तक मेरी टंग पे ना वो टेस्ट है। हाँ हाँ, पार्टी तो उनकी अच्छी थी, पर रौनक तो हमने लगाई थी, रंग हमने जमाया, और अम्बा का चेहरा कैसे उतर गया था, देखा था ना कैसा जवाब दिया तोड़ना में। That's you are so lucky, हाँ, कि ईशानी का संगीत इतने बड़े घर में हुआ, वरना हम लोग यहाँ करते ना तो सारे गेस्ट को खाना खिलाने ना टेम्पल्स में लेके जाना पड़ता। मेरे लिए ईशानी की खुशी ज्यादा मैटर करती, जगह नहीं। Come on, Babs, आप भी तो कितने excited थे ना संगीत में, और मैं तो ना actually सोच रही हूँ कि झवेरी भाई ना ईशानी की पूरी weddings ही sponsor कर दे तो कितना अच्छा। रेवा देन भाई, रहने दे, देखा नहीं उसका mood खराब है, तू ज़्यादा बोलेगी ने तो तेरी हालत खराब कर देगी। अच्छा, but why? अब ऐसे देखा जाए तो पार्टी में तूने देखा नहीं, सब ईशानी और चिराग को नहीं देख रहे थे, रणवीर और रितिका को देख रहे थे। आज सुबह कहूं तो तू अगर रितिका की तारीफ करेगी तो इसके गले से कैसे उतरेगा? साथ सुबह कहूं तो ईशानी से सुंदर रितिका लग रही है। अब क्या है ने, ये खून का असर होता है जो इंसान खूबसूरत दिखता है। जिसके संगीत में जाके आप लोग खुशियां मना के आए हो, आपको तो उसकी खुशियों की भी परवाह नहीं है ना? मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप ईशानी की शादी तक चुप नहीं रह सकती है ना? मामी, लगता है पार्टी की बातें बहुत हो गई, लगता है अब युद्ध शुरू होने वाला है। I just checked the doors, huh? ये जाने की दास ज्वेलर के यहाँ से आए। थैंक यू। अरे वाह, एक बड़ा सा अच्छा सा पार्सल आया है किसी जानकी दास ज्वेलर्स। वो ईशानी की ज्वेलरी मैंने पॉलिशिंग के लिए दी थी, वही है। इतनी सारी ज्वेलरीज है हमारे पास, वाह बॉक्स तो बहुत भारी है। ए फाल्गुनी, जरा हम भी तो देखे क्या क्या दे रही है तू अपनी बेटी को। दिखाइए ना प्लीज। खोलने में मॉडल। हाँ, ये ज्वेलरीज का बॉक्स है या खजाने का? कितनी सारी ज्वेलरीज है ना। ईशानी ईशानी जल्दी आओ, देखो तुम्हारे लिए कितनी सारी ज्वेलरीज आई है। दिशा
की इससे कभी ईशानी को ही दे रही है? ये वो गहने हैं जो हर्षद ने ईशानी की शादी के लिए रखे थे। दिशा की ज्वेलरी मैंने अलग से रखी है। वेलकम सीसी, तुम्हारी ज्वेलरी है सारी। ले देख, पहन के दिखा। माँ, इतनी सारी ज्वेलरी की क्या जरूरत थी? बेटा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए रखी थी। वाओ माँ, कंगन तो बहुत ही सुंदर है। अरे दिखाओ 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 ना। हाँ, ऐसे कंगन की डिजाइन्स तो हमने कभी नहीं बनवाई है ना। अब तो ये डिजाइन तो हमारे सोनार की हो ही नहीं सकती, हर्षद ने नहीं बनवाई हो। ये कहां से आया कंगन तेरे पास? फाल्गुनी, तुझे पूछ रही हूं। ए फाल्गुनी, कहां खो गई? ये कंगन कहां से आया तेरे पास? वो शायद जूलर ने गलती से भेजा है। ये हमारा नहीं है, मैं उसे लौटा दूंगी। अरे ईशानी, इसे छोड़ना, तू वो पहन के दिखाना कैसा लग रहा है।